हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ तिस्ना, सभी को मेरी प्यार भरी नमस्ते। मेरे चैनल पर आप लोगों को स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ हरसिंगर प्लांट। असम में हम लोग असमीज भाषा में उसको हेवाली फूल कहती हूँ, जिस फ्लावर की बहुत ज़्यादा महत्व है। हम लोग असम में इस फ्लावर को बहुत ज़्यादा आदर करती हूँ और उसका खूबसूरती एंजॉय करके आ रही हूँ। आज तक आपका गार्डन में नहीं लगाया तो ज़रूर लगाइए और उसका खूबसूरती एंजॉय कीजिए। मैं इस वीडियो रात शूट कर रही हूँ, मैंने रात उसको इस वीडियो ले रही हूँ, इसीलिए आप चारों तरफ आप देख रही है उसका इस फ्लावर की जानकारी कि मैं आपको बोल रही हूँ। वो क्योंकि इस फ्लावर एक रात के लिए ही ब्लूम होती है और सुबह होते ही इस फ्लावर झड़ जाती है नीचे, इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। इस फ्लावर से बहुत ज़्यादा स्वीट स्मेल है, मीठे सुगंधी है इस फ्लावर में। जब इवनिंग से इस फ्लावर ब्लूम स्टार्ट होती है उस टाइम से चारों तरफ पूरे एरिया उसकी सुगंध ने कवर कर लेती है और उसका स्वीट स्मेल आप एंजॉय कर सकती है। आपको दिखा रही हूँ कितनी स्मॉल एक खूबसूरत फ्लावर सिर्फ एक रात के लिए रहती है, इसीलिए सभी मन में दुख होती है क्योंकि उसका खूबसूरती रात ही एंजॉय करना पड़ता है और सुबह सन निकले से पहले ही झड़ जाती है नीचे। और उस फ्लावर से असम में सभी लोग ने उसको माला, फूलों की माला बनाती है और उसका खूबसूरती एंजॉय करती है। हरसिंगर प्लांट जब आप कटिंग नहीं करेगी तब इस प्लांट 8-10 फीट लंबा होती है और उसको आप आसानी से सीड से उसको कटिंग से भी ग्रो कर सकती है, आसानी से ग्रो हो जाएगी। एनी सॉइल से आप कोई भी फर्टिलाइजर देने के लिए ज़रूरत नहीं है, आप एनी सॉइल से उसको ग्रो कर सकती है, उसको लगा सकती है आप सीड से कटिंग से। लेकिन सीड से लगाने के लिए ज़्यादा कष्ट उठाने के लिए नहीं पड़ेगी आपको। जब फूल खिल जाने के बाद बहुत सारा सीड होगी और इस उस सीट को आप नीचे जब झड़ जाएगी तब उन्हीं से बहुत सारा प्लांट उगेगी। असम सभी लिटरेचर ने हेवाली फूल लेके कविता लिखती है क्योंकि उसकी खूबसूरती और उसकी स्वीट स्मेल के लेके कविता बनती है। लिटरेचर के लिए बहुत ज़्यादा महत्व है इस फ्लावर की। आपको दिखा रही हूँ नीचे की हिस्सा, मैंने सभी साल उसको कटिंग करती हूँ तभी भी 9-10 फीट लंबा होती है, लॉन्ग होती है। आपको दिखा रही हूँ चारों तरफ अंधेरा हो गई है और रात में उस वीडियो शूट कर रही हूँ, उसकी नीचे की हिस्सा भी मैं आपको दिखा रही हूँ। लास्ट साल मैंने उसको कटिंग किया था तभी भी और लंबा हो गई है। नीचे की जो फूल झड़ गई है उसको भी मैं आपको दिखा रही हूँ। फूल भी खाती है और उसका जो नरम न्यू ब्रांच उसको भी आप खा सकती है, मेडिसिन बनती है हेवाली फूल से, हरसिंगर प्लांट से आयुर्वेदिक मेडिसिन बनती है, इसीलिए इस प्लांट बहुत ज़्यादा
उसकी महत्व है। आपको दिखा रही हूँ कितनी खूबसूरत फ्लावर। आप अभी तक आपका गार्डन में नहीं लगाया तो ज़रूर लगाइए और उसका खूबसूरती एंजॉय कीजिए। बहुत ज़्यादा स्वीट स्मेल है। असम में सभी घर घर में इस प्लांट को लगाती है क्योंकि इस प्लांट होने से कारण सभी घर में शुभ होती है, इस बात मानती है आसामीस लोग ने। हमारे आसाम में इस बात सभी लोगों ने मान के आया है। और एक नाम है हरसिंगर प्लांट के आसाम में, उसको हरदी रानी कहती है क्योंकि जब आसाम में दुर्गा उत्सव दुर्गा फेस्टिवल पूजा फेस्टिवल आती है उस टाइम में इस फ्लावर ब्लोम होती है, इसीलिए उसको हरदी रानी भी कहती है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है इस प्लांट को, इस फ्लावर इस प्लांट के फूल को आप भी एंजॉय कीजिए। आज के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलूँगी।